हाय दोस्तों, मेरा नाम है नितेश श्रीमाली और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इट्स अ डिकंस्ट्रक्शन वीडियो एज यू सी इन थंबनेल। आपने देखा होगा कि मैंने भी कुछ दिनों पहले एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग निकाला था। इस सॉन्ग का नाम था कितनी मोहब्बत है और उसे मैंने और रितु मलिक ने मिलकर गाया। बहुत अच्छा गाया रितु ने उसको। और अगर आपने वो गाना नहीं सुना है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ज़रूर उसे देखें, सॉन्ग को सुनें और अपना जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज हम इस सॉन्ग की जो है कंप्लीट इसका डीकंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ब्रेकडाउन देख रहे हैं कि इस सॉन्ग को मैंने कैसे अरेंज किया, इसका प्रोडक्शन देखेंगे, म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, इसकी अरेंजिंग के ऊपर बात करेंगे और थोड़ी बहुत मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर भी बात की जाएगी, ठीक है। तो मैं डीकंस्ट्रक्ट वीडियो स्टार्ट करूं, ब्रेकडाउन वीडियो स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इस चैनल। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं इंस्टाग्राम पे हाईली एक्टिव हूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। वो भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको स्टार्ट से प्ले करता हूं। ओके, तो पहले मैं एक बार इंट्रो सेक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंट्रो मैंने कैसे किया है ना। तो उसके बाद में देन एक एक करके हम चीज़ें देखेंगे। इंट्रो सेक्शन के ऊपर बात करते हैं पहले। तो इंट्रो में जैसे स्टार्टिंग में क्या है कि रिवर्स क्रैश आता है, ये आपको सोलो करके मैं सुनाता हूँ। रिवर्स क्रैश, ये रिवर्स क्रैश है जो एकदम से करके थोड़ा सा एकदम कितना स्मूथ बिगिनिंग देता है आपको, ठीक है, इस तरह से है। फिर ये एक सेक्शन है जो एकदम से एक ऋतु की आवाज़ में है, मतलब इंट्रो वो एक मेलोडी गाती है, तो बहुत अच्छी मेलोडी उन्होंने गाई है। मैं सुनाता हूँ आपको उनकी, ऋतु की जी की आवाज़। तो ये है ऋतु जी की आवाज़। तो इसके नीचे जो है कुछ चीज़ें प्ले हो रही है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये एक गिटार है जो मैंने लाइव प्ले किया है, इसको सुनाता हूँ मैं वोकल के साथ में ही। तो ये गिटार है, इसको मैंने राइट पे पैन करके रखा है 20, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटिलिटी प्लगइन के थ्रू। और इसको मैंने दो कंप्रेसर दिया है, एक CLA-76 कंप्रेसर है जहाँ मैंने इस तरह की सेटिंग की, आप देख सकते हैं है ना। और इसमें भी मैंने जो है CLA-76 में मैंने ब्लू वाला जो है वो यूज़ किया है कंप्रेसर। और ये दूसरा मैंने थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा जान डालने के लिए हल्का सा कंप्रेसर ये भी लगाया मैंने, ट्यूब कंप्रेसर है UAD का LA-2A। उसके बाद मैंने EQ किया, उससे पहले भी मैंने EQ किया स्टॉक प्लगइन से, तो जो लो रंबल था वो मैंने हटा दिया वहाँ से और कुछ रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी को भी मैंने यहाँ पे कम किया। देन यहाँ पे मैंने Pro-Q 3 यूज़ किया, इस तरह के मैंने यहाँ पे इसमें इक्वलाइजेशन किया है। तो ये चीज़ मैंने इतनी सी ज़्यादा मैंने बहुत अड़ंग भड़ंग इसमें नहीं किया, ठीक है। सो ये लाइव गिटार था जो मैंने लाइव प्ले किया है, मेरे कोर्ट का गिटार है, अकोस्टिक गिटार है, इसको मैंने लाइव प्ले किया। उसके साथ फिर यहाँ पे नीचे एक पियानो सेक्शन चल रहा है, ये पियानो का एक अकम्पनीमेंट है जो मैं आपको सुना देता हूँ, सोलो करके सुनाता हूँ पहले। तो ये इमोशनल पियानो काइंड ऑफ मैंने नाम इसको दिया है, काफ़ी इमोशनल पियानो लगता मुझे। तो ये मैंने वैसे कॉन्टैक्ट की कोई लाइब्रेरी से मैंने पियानो यूज़ किया है, ठीक है, इसको बाद में मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। दूसरा मैंने पियानो कोर्ड्स लगाए हैं, यहां सुन लीजिए। ठीक है, और ये UAD का वही UAD प्लगइन, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्लगइन है, मैं बहुत काफी यूज करता हूँ इस प्लगइन को। और EQ किया है, फिर Pro-Q 3 लगाया है मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बेस है नीचे थोड़ा सा लो एंड प्रोवाइड करने के लिए।
ठीक है, तो अब मैं तीनों को एक साथ सुना देता हूँ, गिटार के साथ में, पियानो और बेस के साथ में। ठीक है, अब रितु जी की आवाज़ जब इसके साथ जुड़ती है तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है, सुनिए। ओके, अब यहाँ जो एक थोड़ा सा एज मुझे चाहिए था कि हल्का सा फीलिंग और एलिमेंट आ जाए, तो वो जो चीज़ है यहाँ पे फ्लूट लाइव प्ले हुई है बाकायदा। तो पहले मैं आपको सोलो सुनाता हूँ फ्लूट जो लाइव प्ले हो रखी है। ओके, तो इस तरह से ये लाइव फ्लूट को प्ले किया गया है और लाइव फ्लूट आर्टिस्ट से प्ले करा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले एक रफ राइडर दिया हल्का सा मैंने यहाँ पे डायनेमिक्स कंट्रोल के लिए, और फिर यहाँ पे ईक्यू लगाया है कुछ रेजोनेटिक फ्रिक्वेंसी को काटने के लिए, और लो एंड जो लो रंबल है उसको मैंने कम कर लिया। फिर मैंने एक यूएडी का वही LA2 है ताकि थोड़ी सी एक इसमें थोड़ा वार्म्थनेस भी आ जाए और थोड़ा सा ये फुलफिलिंग सा लगे। एंड बाकी Pro Q3 रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसीज और डायनेमिक EQ करके मैंने इसको किया है। और फिर यहाँ पे मैंने इसमें अच्छा ये क्या है, लेफ़्ट और राइट जो है आप सुन रहे होंगे कि ये लेफ़्ट राइट ट्रेवल कर रहा है क्योंकि सेंटर पे हमारी वोकल चल रही है, तो मैं चाहता था कि ये लेफ़्ट जो है लेफ़्ट राइट चलता रहे बेसिकली। तो ये इंट्रो सेक्शन तो अपना हो गया, अब अपने आते हैं आगे वाले सेक्शन पे जहाँ मेरी आवाज़ स्टार्ट हो रही है। तो मैं अपनी आवाज़ थोड़ी यहाँ दिखा देता हूँ कि क्या कैसे मैंने वोकल प्रोसेसिंग की है, और तो आप सुन लीजिए पहले मेरे सिर्फ वॉइस वॉइस सुन लीजिए। तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने ये मेरी वोकल प्रोसेसिंग चेन है। पहले इक्वलाइजेशन, फिर एक Red 3 कंप्रेसर दिया मैंने, ये सेटिंग रखी है ओके ताकि डायनेमिक्स लिटिल जो है वो अच्छे ढंग से कंट्रोल हो जाए। फिर एक VC2A दिया है, 2A कंप्रेसर है मेरा, उसे लगाया। अच्छा बाय द वे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ही मैंने ऑटोट्यून प्लगइन भी लगाया है ताकि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होए तो उसको संभाल लेना, थोड़ा मिक्स में भी अपने काम ही आता है ऑटोट्यून का प्लगइन। तो F की पे F मेजर की पे ये है ओके, और जो है DSR को मैंने इसके ऊपर लगाया है, ये वेव्स का DSR है सिविलियंस। फिर मैंने यहाँ पे वही अगेन थोड़ा सा EQ किया, फिर मैंने Pro Q3 लगाया, रेजोनेट यहाँ पे भी रेजोनेटिव फ्रिक्वेंसी को कटआउट किया विद डायनेमिक EQ। फिर MB2 में जो कि मैं अपने आप कह सकते हैं कि हर वोकल चेन में मेरा ये गो टू प्लगइन है, मैं MB2 यूज़ करता ही करता हूँ। अब तो मैंने R जो वॉक्स है जो वेव्स का वो भी ख़रीद लिया है और उसको भी मैं मेरा गो टू प्लगइन हो चुका है वोकल के लिए। एंड दिस इज़ मेरी माई गो टू प्लग इन फॉर वोकल्स, इट्स नॉट ओनली फॉर वोकल्स, यू कैन यूज़ इन एनी ट्रैक। लाइक आप गिटार करना चाहो गिटार करते तो बहुत अच्छा प्लग इन है MB2, 2:1 का प्लग इन रहता है, 2:1 का इसमें रेशियो रहता है। ठीक है ओके, आगे सेचुरेशन दिया है मैंने यहाँ पे, ये सॉफ्ट ट्यूब का सेचुरेशन है ताकि थोड़ा सा मैं चाहता था कि इसमें थोड़ा ब्राइटनेस आए, इसमें क्लैरिटी आ जाए उसके लिए। और फिर देन इक्वलाइजेशन, ठीक है यहाँ पे हल्का सा मैंने यहाँ पे इस जगह पे 5.62 kHz पे जो है मैंने थोड़ा बूस्ट दिया यहाँ पे। तो ये ओवरऑल मेरा है, और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुपिंग पे मैंने यहाँ पे रिवर्ब दिया है, और इसके ऊपर भी सैंड पे मैंने यहाँ पे रिवर्ब दिया ओवरऑल। ठीक है, और ओवरऑल जो हम दोनों की वॉइस है उसके अंदर भी मैंने रिवर्ब और डिले को दे रखा है। तो मैं बता दूँ रिवर्ब और डिले कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो रिवर्ब मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वल्हेला का विंटेज वर्ब, और ये उसकी सेटिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वल्हेला का विंटेज वर्ब जो रिवर्ब है, बहुत अच्छा है वास्तव में ये। और ये H डिले जो मेरा गो टू डिले प्लगइन है, दिस इज़ द बेस्ट डिले प्लगइन आई एवर हियर्ड। तो ये मैंने पिंग पोंग और बेसिक स्टूडियो सेटिंग करके रखी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एनालॉग को ऑफ करके रखा है और थोड़ा बहुत ट्विकिंग किया है, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो ये मेरी वोकल चेन है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वोकल के नीचे जो है आप देख सकते हैं कोड्स बज रहे हैं, तो पहले कोड सुन लो, पियानो कोड्स हैं, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एडक्टिव कीज़, मेरा गो एडिक्टिव की समय मैंने एक दूसरा पैच यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें मिस्टर ब्राइट करके। चलो कोड सुना देता हूँ आपको मैं।
तो ये एक तरह का आप देख सकते हो बेसिक कोर्ड्स लग रहे हैं, कुछ नहीं। फिर एक अकम्पनीमेंट अच्छा देने के लिए वही इमोशनल पियानो वाला, मैं जो दूसरा पियानो है वो यूज़ कर रहा हूँ। अब ये सोलो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस पियानो कोर्ड्स के साथ सुनोगे और वो इसके साथ सुनोगे तो इट मेक्स सेंस। तुमको छूके भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। सो हाँ, मैंने इसको जो ये जो बेसिक फिलिंग एलिमेंट और एज एन अकम्पनीमेंट ये काम कर रहा है अपना इमोशनल पियानो, और इसको मैंने 25 लेफ्ट पे भी कर रखा है, ठीक है। और वो क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे मेरा गिटार है तो उसको मैंने 25 राइट पे कर लिया, तो एक लेफ्ट पे चलेगा एक राइट पे चलेगा, थोड़ा दूसरे मिक्सिंग के लिए वैसा मैंने कर रखा है। चलो ये गिटार मैंने लाइव गिटार्स प्ले किए हैं, आप सुन लो। सेम आगे वैसे ही चलता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये गिटार है, स्ट्रमिंग है गिटार की, और ओवरऑल तीनों सेक्शन सुन लीजिए। ओके, अब इसके साथ बेस जुड़ता है, एक लो एंड प्रोवाइड करा रहा है बेस। ठीक है, अब आ जाते हैं ड्रम सेक्शन की तरफ, बाद में मैं ऊपर वाला सेक्शन में देखूँ। अच्छा, मैं ये चीज़ बताना भूल गया, ये चाइम के SFX मैंने यूज़ किए हैं, जो बहुत अच्छा लगता है अगर आप इफ़ यू आर मेकिंग एनी रोमांटिक सॉन्ग और कुछ भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने चाइम के SFX यहाँ पे यूज़ किया है, जो चाइम को तो एक ट्रांजिशन का फील देता है चाइम, ठीक है यहाँ पे। ओके, अब मैं आपको पहले ड्रम सुना देता हूँ। तो किक है, ठीक है, नीचे स्नेयर, थोड़ा एक रिम टाइप की स्नेयर है यह, ठीक है। दूसरी स्नेयर, स्नेयर टू, थोड़ी लेयरिंग की है, तो जिस तरह का साउंड मुझे चाहिए था उस वजह से। तो पहले स्नेयर टू सोलो करके सुनाता हूँ, फिर उसके साथ में स्नेयर वन को मैं करूँगा आपको। अकोस्टिक स्नेयर एज आई सेड, अब इसको इसके साथ लेयर करके और किक के साथ सुनिए आप। ओके, फिर ये राइड है, ओके, नीचे शेकर है, बेसिक EQ, लेफ्ट राइट पैनिंग, ओके, और फिर यहाँ पे एक कोंगो बोंगो जिसे बोलते हैं आप, वो ऐड हो रहा है, सुन लीजिए अब, विद किक स्नेयर एंड हाई जो अपनी राइड है उसके साथ में। ओके, ये मैंने किसी कॉन्टैक्ट से ही मैंने प्रोग्राम करके इसको एक्सपोर्ट किया वहाँ पे। और फिर एक ये लूप है शायद ढोलक का होगा, सुन लेते हैं। और ये ओवरऑल रिदम में, थोड़ा सा इंडियन फील देने के लिए मैंने यहाँ पे ढोलक का यूज़ किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो फिर ये डफ का एक फील है, सुन लीजिए, ठीक है। और फिर ओवरऑल रिदम में जो है यहाँ पे भी डफ जुड़ जाता है, फिर बाद में सुन लो, ठीक है। और ये ओवरऑल जो ग्रूव है, बिकॉज मैं थोड़ा सा इंडियन फील चाहता था इसके अंदर, तो दैट्स वाई मैंने ये डफ और ढोलक यूज़ किए। ओके, यहाँ पे एकम्पनीमेंट पे मेरे, मैं आता हूँ आगे वाले सेक्शन में, जहाँ आप सुनिए पहले आपको पूरा वो सॉन्ग्स का वो सेक्शन सुनाता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स को भी मैंने फिर प्ले किया है इस जगह पे,
टू मेक इट साउंड लार्ज वाइड है ना फुलफिलिंग दैट्स व्हाट स्ट्रिंग डज फिर ये सेकेंड स्ट्रिंग या पैड्स आप कह सकते हैं ठीक है और लास्ट बैंड में भी थोड़ा सा मैंने एकदम थोड़ा सा जूम करके एंड किया ओके ये इस तरह से है और ये वाला सेक्शन में संतूर प्ले हुआ है सुन लीजिए संतूर को और ये कैसे प्ले होता है सॉन्ग में आप सुनिए तो एज ए फिलर या संतूर यूज हो रहा है उस जगह पर ये देखो संतूर को मैंने हर जगह फिलर के तौर पर यूज नहीं रखा क्योंकि अगर हर जगह यूज़ करता तो इसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ा इसके जो एक अरेंजमेंट की टाइटनेस जो उतनी नहीं होती इतनी नहीं होती तो इस वजह से संतूर मैंने यहाँ पे रखा है ओके यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है वॉयलिन के स्टैकेटो जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम करके ही इवन एक्सपोर्ट किया है तो आप सुन लीजिए सुना देता हूँ सोलो में तो ये वायलिन का स्टैकेटो है तो और ज़्यादा फुलफिलिंग ये जो चीज़ है प्रोवाइड कराता है बेसिकली और ये ओवरऑल सॉन्ग में आप सुना दूँ किस तरह से बहुत अच्छा फील होता है पूरा ओवरऑल सॉन्ग के साथ सुनिए इसको मैं कैसे कहे चलो मैं बाकी सेक्शन के साथ इसको सुनाता हूँ मैं विदाउट वॉइस तो सुना आपने कितना अच्छा लग रहा है ये सुनते हुए बहुत अच्छा है कॉम्प्लीमेंट फुलफिलिंग दे रहा है ये और यहाँ पे एक लाइव गिटार जो मैंने प्ले किया उसी को मैंने यहाँ पे स्ट्रम करके दी एंड किया है एक एंड के लिए गिटार को मैंने यहाँ पे किया एंड पे ठीक है और बाकी फ्लूट के फिलर से ये सारी की सारी फ्लूट जो लाइव प्ले हुई है अगेन आई एम सेइंग कि लाइव प्ले हुई है ठीक है और ये फ्लूट सुनाता हूँ बहुत खूबसूरत फ्लूट प्ले की है फ्लूट प्लेयर ने फ्लूट प्लेयर का नाम बता देता हूँ कि फ्लूट प्लेयर का नाम है संदीप सोनी जी उन्होंने फ्लूट लाइव प्ले की है और बहुत खूबसूरत प्ले की है आई मेक यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ बाकी ये भी सब फिलर्स के तौर पे मैं सुन लीजिए मैं एक करके सेक्शन सुना देता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑटोमेशन भी किया है फ्लूट में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये इसको सेंटर पे भी लेके आ रहा है और इसका जो है क्या बोलते हैं गेन भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यहाँ पे एंड पे आते आते अब ओवरऑल सॉन्ग में क्या सुन रहे थे बाद एक एक सेक्शन मैंने छोड़ दिया वही रिवर्स क्रैश का यहाँ पे एज अ ट्रांजिशन अब आप सुनिए ओवरऑल इसमें ओवरऑल विदाउट वॉइस मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये कैसे सारे सेक्शन को मैं कर लेता हूँ सोलो और आपको सुनाता हूँ कि ये यहाँ से अब वॉइस से सुनिए आप अब आते हैं ऋतु जी की वॉइस पे ओके मैं भूल जाता इस सेक्शन को लेकिन अभी मुझे वॉइस से याद आ गया कि ऋतु जी की वॉइस का मैंने प्रोसेसिंग बताई नहीं वोकल चेंज बताई नहीं तो पहले एक लो कट लगाया फिर रफ राइडर से 3:1 का मैंने यहाँ पे कंप्रेसर दिया है फिर एक ईक्यू किया है अच्छा इसके ऊपर भी मैंने वही ऑटोट्यून और जो DSR है वो दोनों लगाए हैं ठीक है और हाँ और ग्रुप पे मैंने ये सारी प्रोसेसिंग की है इनके जो ग्रुप चेन है
फिर UAD अलर्ट हुए ताकि थोड़ा सा मुझे मतलब मिक्स में ये थोड़ी निकल गया है वॉइस, ओबियसली मैं चाहता था। फिर ProQ3 से, ठीक है, इस तरह से मैंने ProQ3 लग किया है। फिर MB2 जो मेरा गो टू प्लगइन है वॉइस में, एंड आई एम हाईली रिकमेंडिंग कि वेव्स का ये प्लगइन ज़रूर खरीदिए, बहुत अच्छा प्लगइन है। ठीक है, सेचुरेशन थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, अगेन EQ लास्ट में। और यहाँ पे मैंने इन दोनों वॉइस, जहाँ पे देखो आप सुनो वॉइस, यहाँ पे इन्होंने हारमोनी ली है, तो सुनिए आप, मैं सुनाता हूँ। ओके, और ये इसके साथ में इनकी मेन वॉइस। तो मैंने एक को लेफ्ट, एक को राइट रखा और एक को सेंटर पे रखा मैंने, हारमनी में ऐसा मैंने किया। 15-15 इनको लेफ्ट राइट रखा, इनके ऊपर भी मैंने ऑटोट्यून लगाया और इनको थोड़ा सा इक्वलाइजेशन पे किया। और ग्रुप पे इन पे मैंने एक ग्लू कंप्रेसर दिखाया, वो भी वेव्स का है, ये भी मेरा गो टू ग्लू कंप्रेसर है मेरा बाय द वे। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और फिर इसमें मेरे साथ मेरे वॉइस पीस के साथ जुड़ जाती है लास्ट में, तो सुन लीजिए ऐसे। कितनी मोहब्बत है। ओके, और ओवरऑल कितनी मोहब्बत है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सॉन्ग कॉल्ड कितनी मोहब्बत है। और आई होप आपको पसंद आएगा इसका ब्रेकडाउन वीडियो जो मैंने अभी बनाया है, और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो ऐसे ही ब्रेकडाउन वीडियोस आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आगे भी अपने और भी सॉन्ग्स का जब भी मौका मिलेगा मैं डिकन्स्ट्रक्ट करूँगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।